कांग्रेस पार्टी ने अज भी बजट सैशन में हिस्सा नहीं लिया। वित्त मंत्री वालों पेश किए गए बजट संबंधी प्रतिक्रम दिंदिया विरोधी धिर के आगू सुनील कुमार जाखड़ ने पंजाब बजट को काला बजट ऐलानिया। सुनील जाखड़ ने कहा कि कल की असैम्बली में सरकार वालों बजट संबंधी जवाब मंगया जाएगा। पिछली दफ़ा बजट पेश करते हुए फाइनेंस मिनिस्टर श्री परमिंदर ढींडसा जी ने कहा था कि इस बजट में किसी भी टैक्स का प्रावधान इसलिए नहीं किया गया कि उप मुख्यमंत्री सरदार सुखबीर सिंह जी बादल उन दिनों अमेरिका में थे, और मैं समझता हूं कि आज जब सुखबीर बादल जी खुद सदन में मौजूद हैं, पंजाब के लोगों का आज दुर्भाग्य है कि जो पिछली दफ़ा उन्होंने टर्म दिया था एडिशनल रिसोर्स मोबिलाइजेशन, इन्होंने जो मेथड्स अडॉप्ट किए थे उसके चलते हुए पंजाब के लोगों के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स और इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बढ़ाए हुए वैट और हर किस्म के वैट में बढ़ोतरी से जो बोझ पड़ा था, अब जबकि खुद श्री सुखबीर सिंह जी बादल मौजूद हैं तो पंजाब के लोगों के ऊपर कितना बोझ पड़ेगा। इस काले बजट के कारनामे देख के हम कल अपनी विधानसभा के अंदर उन सारी बातों की सरकार को उससे जवाब मांगेंगे। खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे वी ते कितों वी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असी दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।